अभिमन्यु कैसे छुपाएगा अक्षरा से जॉब जाने वाली बात? वेल, टीवी दुनिया की मोस्ट पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक बेहद धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि जहां आपको एक तरफ देखने को मिलेगा कि अभिमन्यु का जॉब जा चुका है और ये बात अक्षरा को पता चल जाता है, वहीं दूसरी तरफ आपको ये देखने को मिलेगा कैसे मंजरी बेहद परेशान होती है क्योंकि अभिमन्यु उससे दूर दिन प्रतिदिन होते जाता है और ये बात मंजरी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या अभिमन्यु को जॉब अक्षरा दिलवाएगी या फिर अभिमन्यु का स्ट्रगल अभी और बाकी है। पहले साथ ही सवाल ये भी उठता है कि क्या मंजरी और अक्षरा एक साथ मिलके अभिमन्यु का हेल्प करने वाली हैं या फिर दोनों के बीच अभी भी दूरियां बरकरार रहेगी। तो चलिए देखते हैं इस सीरियल के लेटेस्ट ट्रैक में क्या कुछ नया होने वाला है। हालांकि हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे मंजरी और अभिमन्यु के बीच दूरियां बढ़ चुकी है, क्योंकि अभिमन्यु को ये लगता है कि अक्षरा को गिराने में कहीं ना कहीं हाथ मंजरी का होता है। वहीं मंजरी से वो बात नहीं करता और मंजरी बच्चों से मिलने के लिए स्कूल जाती है और वहाँ पर भी अभिमन्यु उसे इग्नोर करता है। वहीं हमने ये भी देखा था कि कैसे वो अक्षरा को लेके इतना सीरियस रहता है कि जब अक्षरा हॉस्पिटल में एडमिट रहती है तो वो एक पैर पे महादेव के मंदिर में खड़ा होकर प्रार्थना करते रहता है, लेकिन आखिरकार भगवान उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं और अक्षरा सही सलामत घर डिस्चार्ज होकर आ जाती है। वहीं अक्षरा और सभी घर वाले अभिमन्यु के प्रार्थना करते हुए देख लेते हैं और वो इस बात से बेहद खुश होते हैं। वहीं मनीष भी इस बात से खुश हो जाता है कि आखिरकार अभिमन्यु भी यही चाहता है कि ये बच्चा रहे और वो इसके लिए इतना तप कर रहा है। लेकिन अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या मंजरी सभी घर वालों के दिल में फिर से जगह बना पाएंगी या फिर अभी दूरियां और बढ़ती जाएगी। वहीं इस सीरियल का लेटेस्ट प्रोमो सामने आ चुका है और प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि हॉस्पिटल के सभी मेंबर ये डिसाइड करते हैं कि एक और हॉस्पिटल खुलेगा और वो भी चैरिटी के पैसों से। और ये बात जैसे ही अभिमन्यु को पता चलता है वो सबके खिलाफ खड़ा हो जाता है और हॉस्पिटल नया खोलने से वो मना करता है चैरिटी के पैसों से, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता, जिसके वजह से अभिमन्यु जॉब छोड़ देता है और ये बात अभिमन्यु अक्षरा से छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन आरोही के बात करते हुए अक्षरा सुन लेती है और फिर अक्षरा को पता चल जाता है कि अभिमन्यु का जॉब छूट चुका है। और वहीं अभिमन्यु है वो हर जगह जाके जॉब की पैरवी करता है, लेकिन अक्षरा उसकी पैरवी को काट देती है। लेकिन अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरह से मंजरी और अक्षरा एक साथ मिलके अभिनव के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगी और फिर वो अभिमन्यु के स्ट्रगल को यहीं ख़त्म करेंगी। पहले इस वीडियो पे आप सभी का क्या राय है हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपनी फेवरेट सीरियल के अपडेट जानने के लिए देखते रहें फिल्मी बिट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें।